Good afternoon, everyone. Today is our first class for CB1, that is Business Finance. This paper is a mix of many subjects, like you have accounting, you have some topics related to finance, we have some topics related to taxation, right? So this particular subject will give you an overall idea about financial accounting, problems related to finance of the company, some kind of cost accounting, management accounting related works, taxation. So काफी सारा subject का इसमें combinations you will find, right? सो एक बार जस्ट खाली मैं आपको बता रहा हूं, CB1 बिजनेस फाइनेंस, अगर मैं बात करूं सो काफी सारा सब्जेक्ट्स हम लोग इस सिंगल सब्जेक्ट में सीखेंगे. इफ यू आर डूइंग अंडर ग्रेजुएट कोर्स देन यू विल फाइंड दीज एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, राइट? बट आपका मेन पेपर्स एक्चुअरल साइंस है. सो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड पेपर्स यू हैव, लाइक यू हैव CMA मैथमेटिक्स एंड CSM यू हैव स्टैटिस्टिक्स. सो फाइनेंस रिलेटेड, अकाउंटिंग रिलेटेड, कॉस्टिंग रिलेटेड सारी बातें एक सब्जेक्ट में कर दी गई है. वैसे अगर आप CB2 देखेंगे तो दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कवर्ड, राइट? एनीवेज, सो इन दिस सब्जेक्ट वील बी टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, राइट? We'll be also talking about financial management. This is planning the finance of the company, right? Cost and मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट? टैक्सेशन. सो दीज आर द सब्जेक्ट्स विच एन अंडर ग्रेजुएट स्टडी व्हेन दे गो फॉर अ नॉर्मल बीकॉम कोर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, राइट? सो इन दिस प्रोफेशनल कोर्स एक सब्जेक्ट बनाया गया है CB1, जिसमें आपको इनसाइट्स दिया जाएगा इन सारे सब्जेक्ट्स का, थोड़ा 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 थोड़ा. Now, why these are important? You are the ones who will be making the insurance products, pricing and all, right? But जो insurance company होती है वो accounting कैसे करती है वो भी आपको समझना पड़ेगा, because इन accounting datas को read करना आपको आना चाहिए, right? सो इसीलिए आपको ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, सो दैट यू बिकेम अवेयर फॉर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज दैट इज देयर इन योर कोर्स. बैलेंस शीट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, राइट? आप खुद भी कहीं जॉब करेंगे, ऑब्वियसली आप सैलरी आएगा आपको, तो उसका प्लानिंग भी आप खुद कर सकते हैं. थोड़ा टैक्सेशन इश्यूज को भी कंसिडर किया गया है, राइट? सो दिस पर्टिकुलर कोर्स इज नॉट ओनली अबाउट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर्स है, तो इसीलिए काफी सारा फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज को भी यहां पे कंसिडर किया गया है. बिजनेस जब भी आप शुरू करते हो ना, यू नीड टू बोरो फंड्स,
and you need to find out opportunities where you can invest. Right? This is financial management. When you see the curriculum for CB1, right? So round about 30 to 40%, अगर आप देखेंगे ना, 30 to 40% इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग. ठीक है, चैप्टर्स विच आर रिलेटेड टू फाइनेंस ऑफ द कंपनीज. देर इज वन चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. इन दैट चैप्टर यू विल बी टॉट व्हाट आर द सोर्सेज थ्रू विच आई कैन रेज फाइनेंस. कोई भी बिजनेस करना है, या तो अपना पैसा लगाओ या कहीं से बोरो करो. और भी बहुत सारे ऑप्शंस होता है टू रेज फाइनेंस वेन एवर यू आर इन नीड्स. सो एक पूरा चैप्टर ही है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. राइट, सोर्सेज फाइंड आउट करना है. जब भी आप बोरो करेंगे देर इज सम काइंड ऑफ कॉस्ट दैट यू हैव टू इनकर. लाइक अगर मैंने आपसे लोन लिया तो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, सो मेरे लिए कॉस्ट बन गया. तो उस कॉस्ट को मेजर कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट दैट कॉस्ट, वो भी हम लोग सीखेंगे. फिर मेरे को इन पैसों को इन्वेस्ट करना है तो आई विल बी हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस. सो वी नीड टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट. यहां पे रिटर्न मैक्सिमम आए, रिस्क मिनिमम आए. ये सब कॉमन सेंस वाली बातें हैं जो हम लोग करेंगे इस पेपर में. सो दिस इज अराउंड से अनदर 25 to 30%. राइट, दिस इज से राउंड अबाउट 10%, दिस इज से 5%, एंड देर आर सम अदर टॉपिक्स ऑल्सो, स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हियर एंड देर. राइट, सो हम लोग क्या करते हैं, वेन एवर वी स्टार्ट CB1, वी ऑलवेज स्टार्ट विथ दिस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग. बिकॉज ये बहुत लोगों का प्लस टू में पढ़ा हुआ भी है. राइट, दोज हुआ फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड दे नीड नॉट हैव टू वरी बिकॉज देर आर सम बेसिक अकाउंटिंग वीडियोज. राइट, विच विल बी अपलोडेड टूडे. राइट, जब आप AIQ फोरम्स में जाएंगे अंडर स्टडी मटेरियल सेक्शन यू विल फाइंड सम इंपॉर्टेंट लिंक्स. After the class, I'll make sure that it is uploaded. ठीक है, so सबसे पहले हम लोग ये 30 to 40% को हम लोग कवर करेंगे. Then we will talk about financial management, how to manage the finance of the company. ये भी आपके curriculum is one of the specialization, investment banking. Banking sector में आपको jobs मिल सकता है. राइट, दिस इज वन ऑफ द करियर ऑप्शन यू कैन हैव. कुछ कुछ टॉपिक्स आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेटेड है. तो इस तरीके से हमने हमारे करिकुलम्स को डिवाइड किया है. जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज चैप्टर 9 to 15. BC21 चैप्टर है. सो ये वाला जो पोर्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ये हम लोग चैप्टर 9 to 15 पहले पूरा कंप्लीट करेंगे. Now, ऐसा होगा कि हम लोग चैप्टर 9 का कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, देन वी आर मूविंग टू चैप्टर 10, देन 12, देन अगेन वील कम बैक टू 11, देन अगेन वील मूव टू 14, देन अगेन वी विल कम टू 12, लाइक दिस. क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब से चैप्टर्स बना दिया, बट मेरे को आपको समझाना है वो चीज, तो वी हैव टू फॉलो अवर प्रोसेस. एग्जाम में तो ऐसे लिख कर नहीं आएगा ना, ये चैप्टर 10 का है लो करो, ये चैप्टर 14 का है करो. राइट, इस पेपर में डे वन से आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है. जो एग्जाम में जो पैटर्न होता है ना, यू गेट फ्यू MCQs, देन यू गेट फ्यू सब्जेक्टिव एंड कुछ कुछ बड़ा बड़ा क्वेश्चंस होता है. राइट,
IFOA there are certain things जो टेस्ट नहीं होता है, बट आईआई में वो चीज टेस्ट होता है. सो वंस वी कंप्लीट द सिलेबस, पोस्ट कंप्लीशन वी विल हैव फ्यू क्लासेस फॉर आईएआई सेपरेटली. जैसे कोई चीज आपका खाली थ्योरी है, उसका आपका पास्ट ईयर पेपर में देर आर न्यू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दैट दे हैव आस्क्ड, राइट. सो अगर आप करना चाहते हैं वो सब क्लासेस, तो आईएफओए स्टूडेंट्स आर ऑल्सो वेलकम, नो प्रॉब्लम विद दैट, राइट. चलिए, सो हम लोग सबसे पहले ये पहला एस्पेक्ट कवर करेंगे विच इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग. नाउ अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं, राइट, इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग ऑल अबाउट? एक तरीके का हिसाब रखना है, राइट. नाउ हिसाब आप तभी रख पाएंगे जब आप लिखेंगे. जैसे बैंक में आप पैसा रखते हैं, जो पैसा विड्रॉ होता है या बैंक ने किसी को आपके बिहाफ में पेमेंट करता है, तो बैंक आपको एक स्टेटमेंट देता है, एक हिसाब देता है कि बाबू देखिए आपका इतना पैसा जमा था, इतना आपने निकाल लिया, ये बैलेंस बचा हुआ है, समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट, राइट. सो दिस फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड्स ऑफ योर डेली एक्टिविटीज. नाउ व्हाट ऑल एक्टिविटीज अ बिजनेस विल हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन? बाइंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स, राइट. सर हम तो एक्चुअरीज कर रहे हैं, हम थोड़ी कोई माल बेचेंगे, वी आर गोइंग टू सेल अ प्रोडक्ट, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, उसका कस्टमर लोग प्रीमियम देता है. जैसे इफ समवन आस्क मी व्हाट इज रिपेयर, अगर कोई मेरे को पूछेगा कि अंकित पटवारी तुमको रिपेयर का मतलब क्या मालूम है, तो मैं बोलूंगा मेरे को रिपेयर का मतलब यही मालूम है, अगर मेरा गाड़ी खराब हो जाता है तो मैं मैकेनिक के पास भेजता हूं, मेरा खर्चा होता है, मेरा बेंच का रिपेयरिंग करवाना पड़ता है, मेरा कंप्यूटर का मेंटेनेंस है, कंप्यूटर का मतलब ये सब मेरा खर्चा है, रिपेयर मेरे लिए खर्चा है. वहीं अगर मैं ये रिपेयर का शब्द एक मैकेनिक के पास जाके बोलूं तो मेरे को क्या बोलेगा? रिपेयर मेरे लिए इनकम है, मेरे लिए भगवान है, रिपेयर इज माय मेन सोर्स ऑफ इनकम. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हर बिजनेस का एक मॉडल होता है, वो मॉडल हमको समझना बहुत जरूरी है. इफ आई एम टॉकिंग टू अ बिजनेसमैन, द बिजनेसमैन विल से आई विल बाय गुड्स एंड आई सेल गुड्स. नाउ आई बाय फ्रॉम वन मार्केट एंड सेल इन अनदर मार्केट, इट कैन नॉट बी सेम मार्केट. तू मेरे को ही खरीद के मेरे को बेच नहीं सकता. कैन यू डू दैट? डू यू थिंक आई एम फूल? नो. स्पेशली आप मेरे को तो नहीं कर सकते, बाकी और किसी को भी कर सकते हैं. It is not possible with me. You cannot buy from me and sell goods to me. Itna business sense to hai mere paas. So buying has to be in one market and selling has to take place in another market. Dono ek market mein ho nahi sakta. Right? Sabzi wala kahan se sabzi leke aata hai? Sabzi bazaar mein lagata hai, fir hum log khareedte hain. Har dhande ka ye niyam hai. कोई बोलेगा मैं इसी बाजार में खरीद के इसी बाजार में बेच दे, दैट इज नॉट पॉसिबल. टाइप ऑफ कस्टमर्स अलग होते हैं. तो इंश्योरेंस बिजनेस क्या है? आई एम सेलिंग यू एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट. व्हाट इज एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट? कोई चीज का अगर मैंने इंश्योरेंस किया, भैया अगर ये डैमेज हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया, इसकी रिप्लेसमेंट की गारंटी मेरी है, या मैं तुमको पैसे दे दूंगा, तुम जाके इसको नया खरीद लेना. ये हो गया जनरल इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस अपन बोलते हैं, बट वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, वो अश्योरेंस है. वी कॉल इट एज लाइफ इंश्योरेंस, बट व्हाट इज द इंश्योरेंस वर्ड मींस? पुटिंग द पर्सन, द टर्म इंश्योरेंस जो मैंने पढ़ा है उसका यही मतलब होता है, पुटिंग द पर्सन टू द सेम पोजिशन एज ही वॉज बिफोर सच लॉस और डैमेज. तो कोई चीज खराब हो, उसका पैसा दे दिया, मैं नया खरीद लिया. तो यही इंश्योरेंस शब्द अगर मैं लाइफ में जोड़ू तो मरा हुआ इंसान को जिंदा कर देगा क्या वो लोग? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता. वो लोग बोलता है अश्योरेंस देता है, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बीवी बच्चों की देखभाल मैं करूंगा. इट मीन्स आई विल पे हिम और हर एंड अकॉर्डिंगली दे विल
take care of themselves. This is what life assurance all about. It's not insurance, it is assurance. तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में क्या होगा? मैंने जिसको भी अश्योरेंस दिया है बदले में मुझको प्रीमियम दे रहा है, या मैंने जिसका कोई प्रोडक्ट का इंश्योरेंस किया बदले मेरे को प्रीमियम दे रहा है, तो वो प्रीमियम मेरे लिए इनकम हो गया। अभी टाटा AIA, ICICI प्रूडेंशियल, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, और भी इंश्योरेंस कंपनीज है, इन सब कंपनीज डायरेक्टली कस्टमर को अप्रोच नहीं कर सकते, देयर आर एजेंट्स, तो उनको कमीशन देना पड़ता है। तो एवरी प्रीमियम कलेक्टेड हैज अ कमीशन पेमेंट, तो कट कमीशन पेमेंट मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। ना इतने लोगों का इंश्योरेंस प्रीमियम आ रहा है, इतना सारा एजेंट है जो लोग बिजनेस लेके आ रहे हैं, तो सब अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंट्स वाला बंदा होगा, प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट भी हो रहा है, आप लोग देखते होंगे जगह जगह पे एडवर्टीजमेंट लगा रहता है, राइट? टीवी देख रहा हूं अचानक से उसमें ऐड आ जाएगा, SBI का ये ले लीजिए, इसका हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, इसका लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, तो सबका खर्चा लगता है ना। इफ यू आर एडवर्टाइजिंग योर प्रोडक्ट ऑन माई प्लेटफॉर्म, यू हैव टू पे मी फॉर दैट। दिस इज हाउ अ टीवी चैनल अर्न्स। तो एक मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, सो प्रीमियम कलेक्टेड इज माई इनकम, कमीशन पेमेंट इज माई एक्सपेंस, एंड देर आर ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑल्सो। अब 100-150 हजार लोगों से मैंने प्रीमियम लिया, प्रोबेबिलिटी अगर मैं लगाऊं तो सबके घर में आग एक दिन में लगेगा नहीं, everyone will not suffer loss. So at the end 5% 10% claims I might have to pay, so again that is an expense for me. So if I talk about insurance company, and if someone asks me what is the profit for insurance company, simple agar mereko koi puchega what is the profit for insurance company, main to simple yahi bolunga, profit for इंश्योरेंस कंपनी इज व्हाट? प्रीमियम कलेक्टेड, ये मेरा इनकम हो गया। व्हाट इज प्रॉफिट? एवरीवन नोज, अभी आप लोग पढ़ के आए, इनकम माइनस एक्सपेंस। साइंस बैकग्राउंड का बच्चा को भी समझ में आ जाएगा, ये मेरी कमाई है और ये मेरा खर्चा है, दैट इज डिफरेंस इज प्रॉफिट। सो दिस प्रीमियम कलेक्टेड माइनस कमीशन एक्सपेंस मेरे लिए खर्चा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये भी मेरे लिए खर्चा है, क्लेम्स पेड ये भी मेरे लिए खर्चा है। सो दिस इज हाउ अ प्रॉफिट ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी इज कैलकुलेटेड, राइट? यही अगर मैं कोई ट्रेडिंग पर्सन का बात करूं, प्रॉफिट फॉर ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न क्या करता है? माल खरीदता और बेचता है, तो सेल ऑफ गुड्स, इसके लिए इनकम हो गया, माइनस परचेज ऑफ गुड्स, इसके लिए खर्चा हो गया, यस और नो? माइनस, हर धंधे में ये होगा ही, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यस और नो? सो इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सर आपने तो ऐसे मुंह जवानी निकाल दिया, ऐसे नहीं होता है। लाखों लोगों से आप माल खरीदते हैं, करोड़ों लोगों को आप बेचते हैं, देर आर सो मेनी सप्लायर, देर आर सो मेनी कस्टमर्स, so you need to do some kind of accounting, you need to have a statement for everyone. इसको इतना में हमने बेचा, इतना पैसा बाकी है, इसमें से इतना इसने दे दिया, इतना और बाकी है, yes or no? तो ये सब accounting का काम है, to maintain records of these activities which I am doing. Ultimately मेरा उद्देश्य, मतलब मोटिव, माय मोटिव इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट।
ये सब रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग जो हो रहा है ना, अल्टीमेट मेरा मोटिव यही है टू फाइंड आउट प्रॉफिट. दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग. नाउ फॉर हूम आई एम कैलकुलेटिंग दिस प्रॉफिट, फॉर हूम? नंबर वन, फॉर गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स. नंबर टू, फॉर लेंडर्स, उन्होंने मेरे को पैसे दिए हैं, उनको मेरे को ब्याज देना है. नंबर थ्री, फॉर शेयर होल्डर्स, उनको हमको कुछ डिविडेंड्स देना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये जो मेरा मोटिव है किसके लिए है? आई नीड टू कम्युनिकेट दिस इंफॉर्मेशन टू हूम आई विल डू दैट. I am here to calculate profit of this particular organization because this information is asked by so many stakeholders. Whatever I am discussing revision notebook as well. Mera ek bhi discussion revision notebook ke bahar nahi hoga. Main jo bhi discuss kar raha hu, sara exam mein aaya hua hai. Right? सो आपको क्या करना है? सर मेरे को आप बताइए अकाउंटिंग का क्या मतलब हो गया? अगर कोई मेरे को पूछेगा व्हाट इज अकाउंटिंग, तो मैं बोलूंगा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. इसी को बिजनेस एक्टिविटीज बोलते हैं, ठीक है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेस, राइट? सो अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट एंड असर्टेन फाइनेंशियल पोजिशन, राइट? टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट एंड असर्टेन फाइनेंशियल पोजिशन. फाइनेंशियल पोजिशन होता है बैलेंस शीट, नेटवर्थ. आज हम लोग न्यूज चैनल में देखते हैं कि इसका इतना बिलियन डॉलर का वर्थ है. हाउ दैट इज कैलकुलेटेड? मैंने इतने सालों में जो भी कमाया, हमारे पास 10 बंगला है, 50 गाड़ियां हैं, करीबन 500-600 करोड़ का मेरे पास एफडी है, इतने लाख रुपए का मेरा शेयर्स है, उसकी मार्केट वैल्यू ये है. दिस इज व्हाट नेटवर्थ इज ऑल अबाउट. बट इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरे पास ये एक ऑफिस है 4 करोड़ का, लेकिन उसके पीछे मेरा 3 करोड़ का कर्जा है. So my net worth is not 4 crore, my net worth is 1 crore. So if I talk about this financial position, this is like assets minus liabilities. These are my rights and these are my obligations. So ye jo bhi recording recording ho raha hai na, my ultimate objective is to calculate नेट प्रॉफिट. एंड नेट प्रॉफिट आई टोल्ड यू इनकम माइनस एक्सपेंस. और जो भी आप कमाते हैं, राइट, वॉट एवर यू हैव अर्नड दैट इज देयर इन योर बैंक, और यू हैव परचेस सम एसेट और कार और एफडी और सेविंग्स और म्यूचुअल फंड, वॉट एवर दैट कम्स अंडर योर नेटवर्थ. इट कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी इन लिक्विड फॉर्म, इट कैन बी इन योर प्रॉपर्टी, it can be mutual fund, it can be FD, anything. Kamaya aur kha liya, that is not net worth. Kamaya aur kha liya, that doesn't come in net worth. Whatever you have earned and you have eaten up, that is drawings. It doesn't come under net worth.
मैंने कमाया और मैंने शेयरहोल्डर को डिविडेंड बांट दिया, पूरा प्रॉफिट्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो शेयरहोल्डर का रेस्पेक्टिव नेटवर्थ में आएगा बट कंपनी का नेटवर्थ में नहीं आएगा वो, राइट ना। ये जो भी मैं कर रहा हूं, राइट, व्हाट एवर आई एम डूइंग, राइट, आई एम डूइंग दिस फॉर माई स्टेक होल्डर्स। ये जो भी मैं कर रहा हूं ना, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, प्रॉफिट निकालना है, राइट, ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में क्या होता है मालूम है? इनफ्लो आउटफ्लो का हिसाब रखा जाता है। इतना पैसा आया, इतना चला गया, इतना खर्चा हो गया, इतना आमदनी हो गया, ये सब चीज का, ये इनिशियल और ये फाइनल है। पैसा आ रहा 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 जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा है, साल के अंत में हम लोग हिसाब रखेंगे, समरी, टोटल इनकम ये है, टोटल खर्चा ये है, तो ये हमारा प्रॉफिट है। अच्छा, इतना प्रॉफिट है तो ये पैसा कहां है? देखो, गाड़ी खरीदा, बंगला खरीदा, सब पड़ा है, राइट। सो अकाउंटिंग का मतलब ही यही होता है, बिजनेस में जो भी इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है उसका रिकॉर्ड्स रखो, क्या आ रहा है जा रहा है, उस हिसाब से प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन असर्टेन करो और स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करो। देयर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, राइट, लाइक वी हैव लेंडर्स, वी हैव गवर्नमेंट्स, वी हैव एम्प्लॉइज। कंपनी का प्रॉफिट्स ग्रो कर रहा है, कौन नहीं टिकेगा? यही, अगर कंपनी का प्रॉफिट्स गिर रहा है तो कोई टिकेगा, राइट? वी हैव शेयर होल्डर्स, देर आर सम पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट, पटवारी का कंपनी में पैसा लगा लो, कोई एनालिस्ट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, तो एनालिस्ट को भी चाहिए ना ये डेटा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, अक्सर कोई हमसे पैसा मांगता है तो हम लोग किसी थर्ड पार्टी को पूछते, यार उसका फोन आया था, वो पैसा मांग रहा, तो बोलते दे दे, उसका पोजीशन बहुत बढ़िया है। बैंक भी जब लोन देता तो बैंक क्या बोलता है? हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी, राइट। वो आता है, देखता है, बातचीत करता है। तो देयर आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स हु आर इंटरेस्टेड, कस्टमर, कस्टमर भी किसी तीसरे से माल नहीं खरीदता है। बढ़िया कंपनी है, अच्छा नाम कमा रही है, अच्छा ब्रांड नेम है, सब उसी से एसोसिएटेड रहना चाहेंगे। सप्लायर, कोई भी आदमी किसी को भी उधार में माल नहीं बेचेगा, उसी को बेचेगा जिसका क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा है, जिसका पेमेंट अच्छा है। चार साल से मैं इसके साथ धंधा कर रहा हूं, 30 दिन के अंदर अंदर पैसा देता है ये, तो तुम इसको उधार में नहीं बेच के किसको बेचोगे? हम लोग 5 दिन के अंदर पैसा देते हैं, 5 days, विदिन 5 days वी मेक पेमेंट टू आवर वेंडर्स। पैसा के लिए कभी खिटपिट नहीं होता है, तब ना आगे धंधा कर पाएंगे। तुम किसी से उधार में माल लिया, उसको झुला रहा है, दोबारा कभी देगा तुमको उधारी में? कभी नहीं देगा। बोला कैसे तैसे करके ये पैसा आ जाए उसके बाद, राइट। सो ये जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ना, इसको अपन डेटा बोलते हैं। डेटा मतलब अनप्रोसेस्ड फॉर्म। ये जो है ये प्रोसेस्ड है, ये
प्रोसेस्ड डेटा है, इसको इंफॉर्मेशन है, दिस इज इंफॉर्मेशन. दिस इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू स्टेक होल्डर्स. गवर्नमेंट को यह प्रॉफिट बताया जाता है, उसी हिसाब से गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा और देखेगा कि यह बंदे ने मेरे को सही टैक्स दिया है कि नहीं. राइट. लेंडर्स हमेशा सेफ्टी खोजता है, सेफ्टी सेफ्टी, वेदर द कंपनी हैज अर्न सफिशियंट प्रॉफिट और नॉट टू पे माई इंटरेस्ट, टू पे माई ऑब्लिगेशन. ये जो सप्लायर है ना, इसको अपन करेंट लाइबिलिटी बोलते हैं. जो लोग अकाउंटिंग पढ़ा है उनको ये टर्मिनोलॉजीज मालूम है. राइट. तो ये करेंट लाइबिलिटी, तो दे वॉन्ट टू सी वेदर यू हैव सफिशियंट करेंट एसेट्स और नॉट. मैंने तुमसे माल 100 रुपए में खरीदा, उसको मैंने 150 में बेचा, फिर वो कस्टमर मेरे को 150 रुपया दिया और मैं पैसा लेके धा हो गया. तरीका से क्या करना चाहिए था मेरे को? वो 150 में से 100 क्रेडिटर को चुकाना चाहिए था और वो 50 रुपए से मैं क्या कर सकता हूं? या तो मैं धंधा में लगा दूं उसको, री इन्वेस्ट करूं, या मैं घर ले जाऊं, ड्राइंग्स कर लूं, खा जाऊं. बिजनेस हमेशा री इन्वेस्टमेंट से ही ग्रो करता है. बिजनेस को चाहिए फंड्स. राइट. इसीलिए बचपन में आपने पूछा होगा अपनी मैम को कि मैम अकाउंटिंग को लैंग्वेज क्यों बोला जाता है? व्हाई अकाउंटिंग इज नोन एज लैंग्वेज? बिकॉज इट इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर. सी दीज इंफॉर्मेशन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कम्युनिकेटिंग इट टू द स्टेक होल्डर्स. So that is why accounting is known as a language. What is language? Means of communication. Communicating something. That is why accounting is known as language. It's a language for business. It's a language for communicating business information to the stakeholders. Clear? Agar main aapko bolu, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? ये बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं. एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेस. अभी ये जो हमारे बीच हो रहा है, इट्स अ ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ऑफ सर्विस. And what is this event? Outcome oblique results of transaction. मैंने 10 यूनिट खरीदा है, उसमें से 7 मैंने बेच दिया. तो 10 जो खरीदा, that is transaction, exchange of goods. 7 जो बेचा, वो भी transaction है. इसका आउटकम क्या है? मेरे को प्रॉफिट हुआ. व्हाट इज द आउटकम? आई हैव अ प्रॉफिट ऑफ सो एंड सो ऑन 7 यूनिट्स. अनदर आउटकम इज आई एम लेफ्ट विथ 3 क्लोजिंग स्टॉक. सो इवेंट्स का मतलब होता है प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक. इवेंट का मतलब होता है प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक. राइट. सो ट्रांजैक्शन हो गया बिजनेस एक्टिविटीज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज एसेट. एंड इवेंट्स मतलब इन ट्रांजैक्शंस का आउटकम. डेली बेसिस पे हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं, हजारों. डेली बेसिस पे हजारों ट्रांजैक्शंस होंगे. सुबह से 3 एडमिशन हुआ है तो हमारे लिए ट्रांजैक्शन हो गया. एक हार्ड डिस्क खरीदा है मैंने, वो एक ट्रांजैक्शन हो गया.
सबको सैलरी पेमेंट हो रहा है, अभी महीना गया ना, वो भी ट्रांजैक्शन है। ऐसे डेली बेसिस पे हमारे यहां पे 150-200 ट्रांजैक्शन होता है, तो बड़ा बड़ा कंपनी में कितना ट्रांजैक्शन होता होगा। अभी मैं बिजनेस एक्टिविटी करूं कि मैं प्रॉफिट निकालूं? आई शुड एंगेज माई सेल्फ इन बिजनेस एक्टिविटी, नॉट इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, बिकॉज इट्स अ ईयर एंड अफेयर। What I do during the year, whenever these are taking place, I am recording it properly. Okay, this is expense, this is income, this is liability, this is asset. साल के अंत में खर्चा 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 जोड़ लो, इनकम 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 जोड़ लो, इनकम माइनस एक्सपेंस करोगे तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। और साल के अंत में सारा एसेट जोड़ लो, सारा लाइबिलिटी जोड़ लो, मेरा नेटवर्थ आ जाएगा। पिछले साल भी यही चीज किया होगा, तो पिछले साल का नेटवर्थ और इस साल के नेटवर्थ में जो फर्क है, दैट इज माई प्रॉफिट। कमाया तभी ना बड़ा संपत्ति कि चोरी करके लाया है। मैंने क्या बोला आपको? व्हाट डिड आई से यू? मैंने बोला एक्सपेंस 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 एक्सपेंस, टोटल कर लो। टोटल कर लिया, इनकम 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 इनकम, टोटल कर लिया, तो प्रॉफिट क्या होगा? टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, राइट? ड्यूरिंग द ईयर व्हेन एवर एनी ट्रांजैक्शन इज टेकिंग प्लेस, उस समय खाली दिमाग लगाना है, ये मेरा खर्चा है। सर कैसे पता करेंगे आपका खर्चा है? अभी दो जन आया, पैसा दे के गया, तो ये तो मेरा खर्चा नहीं हो सकता। क्या है मेरे लिए? इनकम है, राइट? सबको मैं सैलरी दे रहा हूं, मेरा पैसा जा रहा है, क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस है। तो ये क्लासिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गंवार ही होगा जो एक्सपेंस को इनकम दिखा देगा और इनकम को एक्सपेंस दिखा दे, मतलब उसको इनफ्लो आउटफ्लो क्या आ रहा जा रहा है उसको समझ नहीं है इस चीज का, तो उसको तो घर पे बैठना चाहिए। मतलब तुम जहां नौकरी करने जा रही हो, तुम उसे पैसा लेकर मत आना, तुम उसको देकर आना। मतलब तुम वहां काम भी कर रही हो और उसको तुम पैसा भी देके आ रही हो। हम गदगद हो गए आपके यहां काम करके, हमको बहुत खुश हुए यहां, इसलिए आप लीजिए पैसे, आप मुझे मत दीजिए, मैं आपको दे रही हूं। ऐसा नहीं होता है। एक्सचेंज वर्ड मैंने यूज किया ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के, ये मैं सभी को मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं आपको फीस, मेरे से पढ़िए आकर कि आप मुझे फीस देंगे। कॉमन सेंस है ना, ये तो बिजनेस ही यही होता है। हां, यदि मैंने कोई एनजीओ खोल रखा हो, मेरे को वोट मांगना हो, तो मैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए मैं बोलूंगा लो यहां भीड़ में शामिल हो, मैं तुमको खाना दूंगा, जो भी समझ लो, राइट? इट इज नॉट लाइक दिस। ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारा बिजनेस एक्टिविटी होता है, आपको खाली क्लासिफाई करना है वो एक्सपेंस है कि इनकम है, एंड इट्स बहुत इजी जॉब है। साल के अंत में आपको एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके आपका नेटवर्थ आ जाएगा। तो यही काम मैंने लास्ट ईयर भी किया होगा, राइट? ये दिस सेम वर्क आई हैव डन लास्ट ईयर, तो दिस चेंज इन नेटवर्थ इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट। कोई मुझे कह रहा है पिछले साल तेरे पास दो घर था, अभी तूने एक और घर ले ली,
मैंने डाका डाला हूं, मैंने चोरी की है, मैंने हत्याया है, ऐसे बोलूंगा? क्या बोलेगा? लोग क्या बोलेंगे? वाह क्या कमा रहे हो, राइट? वी लिव इन अ सोसाइटी, पीपल विल से दिस थिंग ओनली। तो ये जो एक घर जो मेरा प्लस वन हुआ ना, ये कहां से आया? ये मेरा हार्डवर्क है, दिस इज माई नेट प्रॉफिट, राइट? वॉट इट इज, क्या है ये मेरा? ये मेरा नेटवर्थ है, राइट? तो इट्स नॉट दैट टफ टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग, यू नीड टू थिंक फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, राइट? बहुत सिंपल है ये, जो भी हमने कमाया मतलब मेरा नेटवर्थ उतने से बढ़ रहा है। सर नेटवर्थ बढ़ा नहीं, बहुत मेहनत किया, बहुत कमाया। क्यों नहीं बढ़ा मालूम है? क्योंकि जो तुमने कमाया वो घरवाली आकर ले गई और कोई ड्रॉइंग्स हो गया ना, तो तुम्हारा नेटवर्थ वहीं का वहीं रह गया। तो इसका मतलब नेटवर्थ इंक्रीज किसके कारण होता है? प्रॉफिट के कारण। और नेटवर्थ डिक्रीज किसके कारण होगा? ड्रॉइंग्स या लॉस। ड्रॉइंग्स मतलब बिजनेस से पैसा घर जा रहा है, यस और नो? हर घर में जब वाइफ अपने हस्बैंड से पैसा मांगती है तो हस्बैंड को तकलीफ होता है, क्योंकि उसके बिजनेस से पैसा कम हो रहा है। वो हमेशा उतना ही पैसा देने का कोशिश करता है जितना नेसेसिटी है, मुझको ये भी चाहिए, मुझको वो भी चाहिए, राइट? ऐसा नहीं होता है, द फाइट स्टार्ट्स, राइट? एनीवेज, तो ये हमारा देर आर सम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, राइट? क्लियर है ना? अभी ये जो मैं कर रहा हूं टोटल, और मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, पूरा साल आप हिसाब रखिए, साल के अंत में हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, साल के अंत में हम लोग नेटवर्थ निकालेंगे। सर हर महीना भी तो कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, हाफ ईयरली भी कर सकते हो, 15 महीना में कर सकते हो, दो दो साल में कर सकते हो, पांच पांच साल में कर सकते हो, हर 12-12 महीना में करने का क्या जरूरत है? मैंने बोला पूरा साल का खर्चा का टोटल निकालो, इनकम का टोटल निकालो, साल के अंत में नेट प्रॉफिट निकालेंगे। 3-3 महीना में भी तो कर सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज, करोड़ों रुपया की कंपनी है, वो लोग हर 3-3 महीना में अपना नेट प्रॉफिट और नेटवर्थ निकालता है, मैंडेटरी है उन लोगों के लिए। तो 12 महीना ही क्यों? 12 महीना इसलिए क्योंकि ये अजम्पशन लिया गया है। किसने लिया, किसने लिया ये अजम्पशन? सर ये कॉमन प्रैक्टिस है सारे बिजनेसमैन का, समझ लीजिए, ये कॉमन प्रैक्टिस है सारे बिजनेसमैन का। अगला जो हम बात करेंगे दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जब भी हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का बात करते हैं, इट हैज टू हैव विद इन अ फ्रेमवर्क। ये जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इसका एक दायरा है, उस दायरे के बाहर अगर मैं काम करूंगा
तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना ये मीनिंगलेस हो जाएगा. कहने का मतलब है आई नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स, सर्टेन प्रिंसिपल्स, सर्टेन थॉट्स, सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, बिलीव्स टू गिव अकाउंटिंग अ मीनिंगफुल डेफिनेशन. अदरवाइज द शेप ऑफ अकाउंटिंग वुड हैव बीन डिफरेंट. बारह बारह महीना में परफॉर्मेंस को मेजर करो, ठीक है. बड़ी बड़ी कंपनीज में हर तीन तीन महीना में मेजर करने बोला जा रहा है. इस धंधे में मेन स्टेक होल्डर देखा जाए तो मैं हूं और सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है. चांसेस ऑफ फ्रॉड इज वेरी लेस. थिंक अबाउट अंबानी. करोड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है. द साइज इज ऑल्सो ह्यूज. यहां पे हर एक पेमेंट मेरा साइन से होता है. मैं अपने आप से गद्दारी कैसे कर सकता हूं? कर सकते हो? कोई अपने आप से गद्दारी नहीं कर सकता. मैंने कभी किसी को नहीं देखा है कोई अपने दाहिने हाथ दाहिने जेब से पैसा निकाल के उसको बाएं में डाल रहा हो. इससे क्या होगा? मेरा पैसा बढ़ जाएगा? सर आपके जेब में 200 रुपया था, अभी भी उतना ही है. अ पर्सन कैन नॉट डू फ्रॉड विथ हिमसेल्फ. तो जहां साइज छोटा है वहां नियम कानून थोड़ा कम है. जहां साइज बड़ा है वॉल्यूम ज्यादा है. ये तुम लोग का एक चैप्टर है, चैप्टर टू, फॉर्म्स ऑफ एंटिटी. देर आर डिफरेंट एंटिटी टाइप्स यू कैन डू अ बिजनेस. वन ओनर, इट्स अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. टू और मोर ओनर, इट्स अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस. सो मेनी ओनर्स, इट्स अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस. देर इज वन मोर, एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. तो जहां साइज छोटा है वहां 12 12 महीना में निकालो, कोई वांदो नहीं. लेकिन जहां साइज बड़ा है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, लाखों तो शेयर होल्डर है उसके, लाखों करोड़ों में है शेयर होल्डर, वहां पे हर तीन तीन महीना में मॉनिटरिंग होना चाहिए. इसलिए उन लोग को तीन तीन महीना में निकालना. हालांकि मेन वाला 12 महीना में निकालेगा बट उनका फ्रीक्वेंसी हाई है. तो दिस इज एन अजम्पशन. अब इन्हीं सब अजम्पशंस को किसी ना किसी लॉ में डाल दिया गया है. जैसे बैंकिंग कंपनीज अपना प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हर 12 12 महीना में बनाएगी. ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में इस चीज को लिख दिया गया है. इंश्योरेंस कंपनी अपना 12 12 महीना में बनाएगी, इंश्योरेंस एक्ट में लिख दिया गया है. काफी सारा रूल्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है थ्रू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. राइट? सो दीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर व्हाट? These are rules, ideas, thoughts, beliefs, etc. To be followed while drafting accounts. इसको फॉलो करना जरूरी है. जब भी आप अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं,
There are certain rules, principles, regulations which you have to follow. That is why accounting is known as science. Science mein bhi aisa hota hai. There are some principles which you have to follow. Same here. So we'll be discussing about these rules, right? Like one we have, periodicity concept. Iske bina accounting is nothing. Without these principles, accounting is nothing. Right? So agar main periodicity ki baat karun, अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होगा, यह अजम्पशन है। भगवान श्री कृष्ण भी धरती पे आके बोले बेटा 6 महीना ले ले, मत लियो। अगर बोलेंगे भी ना, मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, तुम मैं भगवान हूं, तुम मेरा बात सुनो, अकाउंटिंग पीरियड 6 महीना नहीं, 12 महीना। वो उकसाएंगे तुमको, बोलेंगे, राइट? लेकिन अपन क्या लेंगे? अकाउंटिंग पीरियड 12 महीना। हर 12 महीना में हम लोग परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। सर, अब मेरे को समझ में आया। हमारा स्कूल भी तो वैसा ही है था, मतलब हर 12 महीना में पेरेंट टीचर मीटिंग हो रहा है। हालांकि अभी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है, बट यूजुअली हमारे टाइम पे एक ही बार होता था। इस साल आपका लड़का का परफॉर्मेंस, लड़की का परफॉर्मेंस अच्छा हो गया है या खराब हो गया है, सेम वही चीज। इस साल आपका फर्म का प्रॉफिट, जैसे क्या होता है ना, जब ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम लोग निकालते हैं, इसके बाद में एक मीटिंग रखा जाता है जिसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। उसमें सारा शेयर होल्डर को बुलाया जाता है। यहां तो मैं ही सब कुछ हूं, सिंगल सोल प्रोप्राइटर। बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, पैसा लगाने वाला कोई और होता है, कंपनी का बागडोर किसी और के हाथ में होता है, कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी। हम लोग सभी के पास बहुत सारा पैसा है, राइट? हम लोगों ने पैसा लगाया धंधे में, कुछ लोगों को नियुक्त किया जिसको बोलते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन है वो लोग? ये बंदा प्रोडक्शन देखता है, वो बंदा मार्केटिंग देखता है, उस बंदे का फाइनेंस देखो। टॉप प्रोफेशनल्स को मैं हायर करूंगा और उनके हाथ में मैं बागडोर दे दूंगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाइए, हमारा पैसा को ग्रो करिए। बहुत सारी बाबू कंपनी भी होती हैं जिसमें प्रमोटर का मैक्सिमम होल्डिंग रहता है। राइट? सो कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी में मालिकाना किसी और के पास में होता है, कंपनी को चलाने वाला कोई और है। हालांकि जो चला रहा है उसको रेम्यूनरेशन मिलता है। तो पीरियडिसिटी बोलता है 12 महीना में मेरे को तुम्हारा परफॉर्मेंस मेजर करना है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारा शेयर होल्डर को बुलाएगा 12 महीना बाद। कुछ मुद्दे हैं जो उसी मीटिंग में डिस्कस होता है। अकाउंट्स पढ़ा जाएगा,
डियर शेयर होल्डर्स, पूरा आलिशान फाइव स्टार होटल में एकदम तगड़ा अरेंजमेंट होता है। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग सारा शेयर होल्डर को एड्रेस करता है। लास्ट 12 मंथ्स हैव बीन फैंटाबुलस फॉर अस, वी हैव अर्नड 790 crores, विच वॉज जस्ट 340 इन लास्ट टू लास्ट ईयर। 200% से कंपनी का प्रॉफिट को ग्रो कराया है। अकाउंट्स रीड आउट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है, आगे कौन कौन रहेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में सारे शेयर होल्डर्स की सहमति ली जाती है। और एक ऑडिटर आऊंगा मैं उस पर। तो चंद मुद्दा होता है जिस पे डिस्कशन होता है, तो 12-12 महीना के बाद होता है। इज इट फाइन? तो जो भी हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, वी विल डू इट फॉर अ टाइम फ्रेम ऑफ 12 मंथ्स। सो वी नीड एक्सपेंस इनकम फॉर द ईयर, पूरे साल का खर्चा, पूरे साल का इनकम। एसेट लाइबिलिटी कभी भी पूरे साल का नहीं हो सकता, वो एज ऑन होगा आज के दिन। एक्सपेंस होता है पूरे साल का, 12 महीना 12 महीना एक्सपेंस इनकम, लेकिन एसेट लाइबिलिटी ईयर एंड का होता है, राइट? सो प्रियोडिसिटी, प्रियोडिसिटी सिंपल बोलता है टाइम फ्रेम 12 महीने का रहेगा। अब ये 12 महीना जैन से दिसंबर भी हो सकता है, इसको बोला जाता है कैलेंडर ईयर। और एक होता है अप्रैल टू मार्च, इसको बोला जाता है फिस्कल ईयर। भारतवर्ष में हमारे पास अभी क्वेरीज आता है ना, बच्चा लोग का सपना, आई वॉन्ट टू वर्क इन यूएस। बाय द वे मैं एलिजिबल हूं यूएस में काम करने के लिए। तो बच्चा बोलता है आई वॉन्ट टू वर्क इन यूएस, सो कैन आई डू एक्चुअरीज? या व्हाई नॉट, ऐसा कुछ रूल ही नहीं है मेरे को जहां तक नॉलेज है कि इंडिया से किया तो यूके नहीं जा सकता, IFOA से किया तो इंडिया में काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। इट इज वॉट इज वैल्यूड इज नॉलेज इन योर फील्ड, राइट? सो इंडिया में एवरीवन फॉलोज अप्रैल टू मार्च स्टैंडर्ड। यूएस जैन टू डिसंबर, तो आपको देखना है कि कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड क्या है। जो भी अकाउंटिंग पीरियड है, सपोज जनवरी 24 से लेकर दिसंबर 24, इस साल जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। पिछले साल वाला ऑलरेडी पिछले साल रिकॉर्डेड है, आने वाले साल वाला से हमको कोई मतलब भी नहीं है। आने वाले साल में अगर कोई ट्रांजैक्शन होने वाला, उसका कुछ एडवांस का आदान प्रदान हुआ है, वो मैं भले ही रिकॉर्ड कर सकता हूं। बट अगर मैंने तुमको कुछ ऑर्डर दिया है, तुमने मेरे को बोला 2025 में सर मैं आपको डिलीवरी दूंगा, मेरे बुक्स में उसका कोई जगह नहीं है अनलेस मैंने आपको कोई एडवांस दिया है। तो 2024 में वही ट्रांजैक्शन आएगा तो 2024 से रिलेटेड है। इसका मतलब आपको इनफ्लो आउटफ्लो 2024 का देखना है, एक्सपेंस इनकम 2024 का देखना है, और एसेट लाइबिलिटी जो 2023 से चलते हुए आ रहा है उसका 2024 का नया बैलेंस निकालना है। सो प्रियोडिसिटी बहुत बड़ा गेम प्ले करेगा, क्लियर? नेक्स्ट,
मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट क्या बोलता है सर? एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है, इट हैज टू बी फॉर सम कंसिडरेशन, इट कैन नॉट बी विदाउट मनी, इट हैज टू बी विथ मनी, वही मेरे बुक्स में रिकॉर्ड होगा। पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, मैं तुमसे चावल खरीदा, बदले में तुमको दाल दे दिया, क्योंकि मैं वो दाल उगा रहा हूं, तुम चावल उगा रहे हो, ये सब ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं। तो जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज हो रहे हैं, इट शुड बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। मनी मतलब हो गया कैश, मनी इज वर्थ हो गया ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर, बाद में देंगे चलेगा, उधारी चलता है, उधारी के बिना धंधा नहीं है बेटा। अगर तुम नए हो, पुराने हो, तुमने एक पकड़ बना ली है बाजार में, तुम्हारा लोग सुनेगा, क्वालिटी में दम होना चाहिए। हमने पिछले 6 महीने में हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में 15 से 20 रूल चेंज किया है, 15 to 20 रूल्स। हमको बहुत डर था, किसी को ट्रस्ट नहीं आया, एवरीवन थॉट कि आवर सेल्स वुड गो डाउन, बच्चों को इस तरीके से बोलेंगे तो हो सकता है बिजनेस नहीं चले। सबसे पहला काम हमने स्टॉप किया, वी स्टॉप्ड गिविंग डिस्काउंट्स। पहले कोई भी आके बोलता था सर 2000 कम ले लीजिए, ठीक है, सर 3000 कम ले लीजिए, ठीक है, कभी पूछते नहीं थे कोई प्रॉब्लम है नहीं है कुछ नहीं। सबको डर था कि नहीं अब तो नहीं होगा, सेल्स विल फॉल, सेल्स गिरा नहीं है उल्टा बढ़ गया है, क्यों हुआ ऐसा? क्वालिटी। राइट, ऑब्लिगेशन इन पे टू पे इन फ्यूचर चलेगा, नो प्रॉब्लम। नया वाले को देना पड़ेगा, लेकिन एग्जिस्टिंग जिसको क्वालिटी में दम लगता है वो उधार में नहीं बेचेगा, क्यों बेचे वो? इस सब्जेक्ट में आप खाली अकाउंटिंग ही नहीं सीखेंगे, आपको बिजनेस करने का माइंडसेट भी मिलेगा। बिजनेस फिनांस है ना सब्जेक्ट का नाम। और मैं ये सब चीज खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं जितना बोल रहा हूं उसका 80% ही आपके दिमाग में जाएगा, उसका 50% ही आप लिख के आ पाएंगे, ये हकीकत है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, कैन अ न्यू बिजनेसमैन डू क्रेडिट सेल्स? इज इट मैंडेटरी फॉर अ न्यू बिजनेसमैन टू डू गो फॉर क्रेडिट सेल? यस, because he is new, no one knows him,
राइट, मैं दिखाऊंगा आपको ये सब चीज, दिखाऊंगा कहां पे पूछा गया है, ये सब चीज आपको लिखना है एग्जाम में कि आई कैन डिसकंटिन्यू विथ क्रेडिट सेल्स प्रोवाइडेड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन माई क्वालिटी. और इफ आई एम प्रिवेलिंग इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट, इकोनॉमिक्स केम इनटू अकाउंटिंग, ऐसा होगा. बहुत प्रैक्टिकल है, बिजनेस ओरिएंटेड पेपर है, राइट. मनी इज वर्थ में प्रॉमिसरी नोट, गॉट प्रॉमिस आई विल पे यू आफ्टर 30 डेज फ्रॉम नाउ, दिस इज नॉट प्रॉमिसरी नोट, गॉट प्रॉमिस, ओरल प्रॉमिस, माई मदर स्वेयर आई विल पे यू, दैट इज ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर, मीन्स दिस इज ओरल प्रॉमिस, एंड वेन समथिंग इज रिटन दैट इज प्रॉमिसरी नोट. You have done in plus two bill of exchange, right? Making payment through check, it is also money's worth. ये सब आपको अपने किताब में नहीं मिलेगा. Barter scheme. कहने का मतलब है पैसा का तो बात हो रहा है ना, आज दोगे कि कल. आई एम नॉट नेग्लेक्टिंग मनी हियर, सी इज मनी नेग्लेक्टेड हियर, नो, दिस इज इमीडिएट सेटलमेंट, दिस इज इमीडिएट हिसाब रफा दफा, ये भी तीन इमीडिएट है. सर रिटर्न प्रॉमिस इज ऑल्सो इमीडिएट सेटलमेंट, यस सेटलमेंट हो गया है, पैसा चंद दिनों बाद मिलेगा. आप चाहे इसको बोलते डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तुम लोग पढ़ा होगा. आप चाहे तो आप इन रिटर्न प्रॉमिस को बैंक को बेच सकते हैं, यू कैन सेल रियलाइज मनी फैक्टरिंग प्लेजिंग, ये सब शब्द आप लोग सुनेंगे. चेक एक दो दिन में पैसा आ जाएगा, बाटर में हिसाब किताब तो रफा दफा हो ही गया. सो बिजनेस एक्टिविटीज व्हाट एवर इज एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विस इन टर्म्स ऑफ मनी और मनी इज वर्थ, पैसे में तोला जा सके. अगर मैं एक तराजू सा बनाऊं, तो यहां पे है पैसा, यहां पे है सामान, बेसिकली तुलादान होता है. यू कैन आस्क योर पेरेंट्स, राइट. यहां पे इंसान को बैठाया जाता है एक तरफ, और यहां पे चावल तेल. रिसेंटली आई वेंट टू गुजरात, तो मैंने भी कराया था, राइट. आपके वजन के हिसाब से यहां पे सामान रखना पड़ता है, मेजरेबल होना चाहिए, और ये पूरा 90 डिग्री होना चाहिए ये कांटा. सपोज करो मैं यहां नौकरी करता हूं, मान लो मैं यहां का एम्प्लॉय हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को सैलरी मिल रहा है, क्या स्किल है, कितना नॉलेजेबल है, इतना ऑनेस्टी, इतना इंटीग्रिटी मैंने आज तक नहीं देखी, सच अ नाइस पर्सन, क्या फायदा इसका, फायदा क्या, बोलो बोलो ना, कोई फायदा है. यश भैया को बुलाओ, कॉल हिम को जा, राइट.
हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑनेस्टी दिखाते हैं, जो इंटीग्रिटी रहता है, जो हमारा स्किल रहता है, जो कॉम्पिटेंस रहता है, क्या आप इन सब चीजों को पैसे में तोल सकते हैं? बोलो, कैन यू मेजर इट? कैन यू मेजर माई स्किल इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ मनी? कर सकते हो आप? कैन यू डू इट? नो, ऐसा कोई मेजरिंग टूल ही नहीं है। इधर आओ, आप देख सकते हैं, इधर सामने देखो, सब बच्चा लोग देख रहा है। जो स्किल है इनके पास, जो कॉम्पिटेंस, जो इंटीग्रिटी, मेन ऑनेस्टी, हम लोग मेजर नहीं कर सकते इसकी ऑनेस्टी को। वी कैन नॉट मेजर यस भैया ऑनेस्टी इन टर्म्स ऑफ मनी, ये मेजरेबल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा और मेन एसेट होता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज इनटू डेवलपमेंट, हालांकि हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड नेम, गुडविल, देर आर सम काइंड ऑफ मेजरमेंट पैरामीटर्स वी कैन मेजर, बट एक ह्यूमन का ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, उसका स्किल, उसका टैलेंट, ये सब मेजर करने का हमारे पास पैरामीटर नहीं। बट ह्यूमन रिसोर्स इज द मेन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वॉट एवर सैलरी वी आर पेइंग टू आवर पर्सन, वही हमारे बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है एज एक्सपेंस। बट इनका जो मेन जो स्किल है, जो कॉम्पिटेंसी है, आज मैं अगर ऑफिस 20 दिन नहीं भी आऊं, आई कैन गो, मैं कर सकता हूं, आई कैन इजिली गो आउट। तो ये हमारा अकाउंटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये तो आप जब जॉब करेंगे, आप रिलायंस के बैलेंस शीट में एज एन एसेट हैं, यू आर एन एसेट टू रिलायंस इफ यू आर वर्किंग अंडर देम। कोई भी कंपनी सोच लो। तो ह्यूमन रिसोर्स को मेजर करने का अभी तक ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है हमारे पास। एक होना चाहिए, तुम ये काम कर रहा है, तुम मेरे को फ्यूचर में इतना 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 कमा के देगा, बेस्ट पैरामीटर अगर मेरे को कोई पूछे तो। क्योंकि मैक्सिमम जो लोग सीबी वन करता है, दे आर लाइक दे हैव डन सीएम वन, एंड उनको प्रेजेंट वैल्यू मालूम है क्या होता है। किसी भी चीज का अगर मेरे को आज के दिन पे वैल्यू निकालना है ना, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये बंदा है मेरे यहां काम कर रहा है, इसके कारण इस ऑर्गेनाइजेशन आपको 3 लाख रुपए मेहनत तभी देगी जब ऑर्गेनाइजेशन आपसे महीना का 10 लाख रुपए कमा रही है। नथिंग इज फिक्स्ड। ये इंसान है, ये मेरे लिए, इसका एज है 35, 60 साल रिटायरमेंट एज है। बंदा 25 साल सर्विस करेगा अगर छोड़ के नहीं गया तो। इन 25 सालों में मेरा प्रेडिक्शन ये, मेरे को इतना 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 कमा के देगा, टाल लूंगा मैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा। जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वही इसकी बोली है। दिस वन ऑफ द बेस्ट वे, फेयर वैल्यू। हमको किसी भी चीज का वैल्यू निकालना रहता है, हम ऐसे ही निकालते हैं। मैं इसी तरीके से निकालता हूं, सीधा प्रेजेंट वैल्यू को टाल लिया जाता है। जो फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसको मैं टाल लूंगा, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू। सो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल का देयर इज वन ड्रॉबैक। क्या ड्रॉबैक है? ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, स्किल, टैलेंट एक्सेट्रा, कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है,
डन। चलिए नंबर थ्री, सेपरेट एंटिटी। ये बोलता है ये ओनर है, राइट? ये इसका जमीन समझ लो, लैंड, राइट? अब ये यहां पे खेती कर रहा है, इसमें खून पसीना कौन बहा रहा है? ओनर। पैसा कौन लगाया? जो भी बीजा वीजा खरीदना रहता सब ओनर ही लगाया ना, यस और नो? मनी, लेबर, खून पसीना सब इसका है, लेकिन इन दोनों को सेपरेट माना जाएगा। जब मैं अकाउंटिंग की बात करूंगा, अकाउंटिंग मतलब बिजनेस अकाउंटिंग, बिजनेस अकाउंटिंग मतलब बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस इनकम, बिजनेस इनफ्लो, बिजनेस आउटफ्लो। इसीलिए याद है बचपन में मैम, अगर ओनर बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा है तो ये बिजनेस के लिए क्या बनता था? ऑब्लिगेशन, मतलब लाइबिलिटी। और इसका सुंदर सा एक नाम था कैपिटल। अरे मेरा ही तो बिजनेस है, मैंने पैसे लगाए, तुम अलग हो, तुम अलग हो। मतलब अगर प्रॉफिट का बात होगा तो बिजनेस इनकम माइनस बिजनेस एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस नहीं। मैंने हमारे बच्चों का स्कूल फीस दिया है, घर का भाड़ा दिया है, ये सब खर्चा नहीं माना जाएगा, ये सब ड्रॉइंग्स माना जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? विड्रॉवल। तो सेपरेट एंटिटी बोलता है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। ओनर का चलाता ओनर ही है सोल प्रोप्राइटरशिप में। कंपनी में तो कानून के नजर में भी दोनों अलग अलग है। आज जैसे मैं ओनर हूं तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप है। अकाउंटिंग करने के लिए हम लोग अलग अलग हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है इसका टैक्स कौन भरता है? अंकित पटवारी। यही अगर कंपनी होता इसका टैक्स कौन भर रहा होता? कंपनी खुद, एक्चुएटर्स खुद भरेगा। तो अगर मैं आपको एक बताऊं, अकाउंटिंग टैक्सेशन सोल प्रोप्राइटर अकाउंटिंग के लिए सेपरेट माना जाता है, टैक्सेशन के लिए नो। कंपनी अकाउंटिंग के लिए भी सेपरेट, टैक्सेशन के लिए भी सेपरेट। मतलब कंपनी का टैक्स कंपनी खुद देगी,
सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस का टैक्स प्रोप्राइटर देगा। इसीलिए यहां पे ड्रॉइंग्स माना जाता है टैक्सेशन को, और यहां पे टैक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यहां पे टैक्स ड्रॉइंग्स माना जाएगा क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये पर्सनल एक्सपेंस है। कानून के नजर में खाली कंपनी ही अलग अलग है, कानून के नजर में ओनली कंपनी इज सेपरेट, बट जहां अकाउंटिंग की बात आएगी सारा एंटिटी को सेपरेट माना जाएगा। व्हेन आई एम डीलिंग विथ अकाउंटिंग, एवरीवन इज सेपरेट फ्रॉम इट्स बिजनेस। सो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इनकम टैक्स इज अ बिजनेस एक्सपेंस फॉर सोल प्रोप्राइटर और पर्सनल एक्सपेंस? इनकम टैक्स इज अ बिजनेस एक्सपेंस फॉर प्रोप्राइटर और पर्सनल एक्सपेंस? पर्सनल एक्सपेंस, बिकॉज इट इज द लाइबिलिटी ऑफ द ओनर। इनकम टैक्स इज अ बिजनेस एक्सपेंस फॉर कंपनी? यस, कंपनी का टैक्स कंपनी खुद देगी, उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट शेयर होल्डर में बटेगा। गॉट माई पॉइंट? राइट, तो सेपरेट एंटिटी बोलता है मैं अलग, मेरा बिजनेस अलग। किसका इनफ्लो आउटफ्लो देखना है? बिजनेस का। क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? बिजनेस का। खर्चा एक्सपेंस? बिजनेस का। जब टैक्स की बात आएगी, कंपनी रहा तो बिजनेस ही देगा, प्रोप्राइटरशिप रहा तो प्रोप्राइटर देगा। नहीं, अगर बिजनेस का पैसा लगा है तो उसको ड्रॉइंग्स बोल के दिखाएंगे। खर्चा बोल के नहीं आएगा, ड्रॉइंग्स बोल के आएगा। राइट, हम क्या कर रहे हैं? अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेनिंग हो रहा है। ओनर बिजनेस, एक ओनर बिजनेस अलग अलग, बहुत सारे ओनर बिजनेस अलग अलग, कंपनी हो चाहे प्रोप्राइटरशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो, अकाउंट्स मेंटेनेंस की बात आएगी दोनों अलग अलग हैं। टैक्स देना है, बिजनेस का प्रॉफिट पे टैक्स देगा ना, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का कानून के नजर में कोई आइडेंटिटी नहीं होता है। आज हम लिखने को एक्चुएटर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिखते हैं, बट कानून को यह नहीं मालूम एक्चुएटर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन है। कानून को यह मालूम है प्रवीण पटवारी, अंकित पटवारी, जो भी इज द ओनर ऑफ दिस एक्चुएटर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो उससे लेगा कंपनी, यस, इट इज अ पर्सन, इट इज अ सेपरेट पर्सन इन द आई ऑफ लॉ। कंपनी का अपना पैन कार्ड भी होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। कंपनी का पैन कार्ड भी होता है। रिलायंस का टैक्स रिलायंस देता है क्योंकि वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है। एक्चुएटर्स का टैक्स हम लोग देते हैं, एक्चुएटर नहीं देता है। लेकिन यही पैसा अगर एक्चुएटर्स ने दिया है तो ड्रॉइंग्स बोल के आएगा, क्योंकि है तो पर्सनल एक्सपेंस ना। तो वही लिखा है टैक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। टैक्स के लिए सेपरेट नहीं है क्योंकि टैक्स प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस होता है। पेमेंट अगर बिजनेस करेगा तो ड्रॉइंग्स बोल के आएगा, जैसे बाकी प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं टैक्स का पैसा भी विड्रॉ हुआ है। राइट, सो वी हैव डिस्कस फ्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आने वाले क्लासेस में हम लोग इसको आगे और बढ़ाएंगे, ठीक है? सो प्लीज काइंडली रिवाइज, ये जो क्लास नोट्स है ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है? सो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन इफ यू हैव मिस्ड सम पॉइंट्स हियर एंड देयर। थैंक यू सो मच।